ये शादी की गुत्थी है, सुलझाए नहीं सुलझती, अलबत्ता उलझती ही जाती है। छपरा में जीजा साली की फिल्मी अंदाज में शादी की खबर तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। सारण जिले के मांझी में 2 मई को बवौली गांव में दूल्हे के साथ उनकी साली के विवाह का मामला सामने आया था, जिसमें ग्रामीणों द्वारा ये बताया गया कि दूल्हा राजेश और उसकी साली पुतुल का आपस में प्रेम प्रसंग था। लेकिन मामला कुछ और निकला। कहा गया कि विवाह के दिन पुतुल ने राजेश के ऊपर दबाव बनाकर उससे शादी की और उसके बाद राजेश पुतुल को घर लेकर आया, लेकिन घर लेकर आते ही उसकी माँ संजू कुंवर ने राजेश और पुतुल को घर घुसने से ही प्रतिबंधित कर दिया। इस विवाह को लेकर तमाम तरह की चर्चाओं ने घर कर लिया था। जब इस विवाह की हकीकत जानने संवाददाता आलोक कुमार राजेश के घर पहुंचे तो उसकी माता संजू कुमारी ने पूरे विवाह की सच्चाई कैमरे के सामने बयान कर दी। लड़की लड़का कहाँ बाहर निकाल दीजिए, कहाँ ना निकाले, हम लड़की देखा ना खेनू, कहा लड़की से बरियारी विकलांग के लिए शादी भैल बा, विकलांग लड़की भी है, हाँ छोटकी विकलांग भी है, विकलांग के शादी न क्या कर। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद लोगों को भी धमकाया गया। उसके बाद ये जानकारी राजेश को हुई तो उसने विरोध किया। यहीं से बरातियों ने वर पक्ष की पिटाई शुरू कर दी। दूल्हा राजेश को भी ससुराल वाले मारते हुए ले गए। दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों ने जबरन दिव्यांग पुतुल से राजेश की शादी करवा दी। सुनिए पूरी सच्चाई राजेश की जुबानी। ये शादी लगभग 2 साल से सेट हुआ है, तो क्या हुआ कि हम बात कर रहे थे, वह जो बड़ी वाली से बात कर रहे थे, तो जब फोन नहीं रहती थी तो ही उठाती थी, तो क्या हुआ जब भी बात करते थे तो जो बड़ी वाली रहती थी तभी बात करते थे लोग, लेकिन नहीं बात करते थे। तो रात में कैसे विवाह हुआ, इनके साथ कैसे विवाह कर दिया लोग? वो जबरदस्ती किए लोग। क्यों? अब पता नहीं, हम बोले कि नहीं हम उनसे ब्याह नहीं करेंगे, तो बोले नहीं करना है तो करना है। पुलिस भी आया, तो पुलिस आया तो हमको बुलाया साइड में, हमसे पूछा कि सुनने में आया कि ऐसा ऐसा बात है, तुम किसे शादी करोगे? तो हम बोले कि सर हम जिसे शादी करने आए हम उसी से शादी करेंगे, बड़ी वाली शादी करेंगे। तो वो बोले कि ठीक है, जो लड़की का पापा है हम उनको बुला रहे हैं, उससे उनको हम समझा रहे। तो वो लड़की के पापा को बुलाए साइड में, हम यहाँ से बगल में थे और बगल में उनके वो लड़की के पापा थे, उनसे बताया कि देखो जब बड़ी वाली से तय हुआ है और कह रहा है कि बड़ी वाली से हम शादी करेंगे, तो तुम छोटी वाली से क्या करा रहे हो? अगर मान लो बड़ी वाली से छोटी वाली से करोगे, करा दिए और ये नहीं रखा तो इसका भी लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो बोले कि ठीक है हम बड़ी वाली से करा देंगे। जब पुलिस तो मतलब ये प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है? नहीं, प्रेम प्रसंग का ये सब झूठा इंजाम लगाया गया है। और फिर हम जब आगे हमको बैठा दिए लोग कुर्सी पर, बोले कि तुम तोरा ये जब बैठेगा बात तो ऐसा यहाँ से हिले के नहीं खे। और मेरा जो भाई था बोला कि उसको भी शादी कराना है, और पूछ पूछ के किसका किसका शादी नहीं हुआ है, सबको पकड़ कर सबको बांध के रखे थे लोग, गाड़ी नहीं जाने दिए लोग। हमारी शादी किससे की गई? हमारे शादी जो शादी करने गए थे लड़की से, उसके छोटी बहन से जबरदस्ती कराया गया है। तो अभी कहाँ आए हो? ये है अभी कहाँ आए हो या? हम अभी थाना पर आए FIR करने, केस करने। किस बात को लेकर? कि हमारा मान लीजिए हम जब घर गए तो हम घर वाले बोले कि शादी कर लिए तो मेरा चलो अपना जाओ अपना लाइफ बनाओ, जब तुम खुश हो तो हमारा जो गहना है जो मेरा पैसा लगा है जो हम ले गए तो मेरा सब वापस करो। तो हम फिर वो घर वाले फ़ोन करे तो बोले कि यहाँ पर कुछ नहीं देंगे हम तुम लोग को, तुम अपना जैसे करना है जैसे करो। हम लड़की के गहना लोग भी वहीं रख लिया? हाँ, मेरा हम जितना गहना लेके गए थे। अब तुम्हारे घर वाले दोनों को रख रहे हैं कि नहीं घर में? नहीं, हम लोग कल से हम इधर उधर भाग रहे हैं, अभी घर में घुसे नहीं है। वहीं दुल्हन ने बताया कि द्वार पूजा और जयमाला के बाद उनके पिता द्वारा उसे बहुत मारा पीटा गया, जबरन उसकी शादी उसके जीजे से करवा दी गई। इस विवाह में उसकी कोई मर्जी नहीं थी, क्योंकि वो पैरों से दिव्यांग है, इस कारण उसकी बड़ी बहन की जगह उसकी शादी करवा दी गई। जी हम जबरदस्ती शादी नहीं किए, जयमाल हुआ हम स्टेट पे से उतरे, जुगरेती होता है ना, हम बोले कि नहीं कपड़ा चेंज कर दूसरा पहनेंगे। हम कपड़ा चेंज करने के लिए छत पे गए और चेंज करके आए तो हम अपने द्वारी पे खड़ा थे, तो हमारे पापा ने बोले कि घर में जाओ, तो हम घर में चले गए। और उसके बाद मेरे चाचा और मेरे पापा और मेरे मतलब घर के मेरे फैमिली है वो सब मारने लगे मुझको, और पहले मार और कर मुझे, और तब वो गए उनको समयाना में से मार कर लाए घर पे और हमको बैठा दिए, और उसके बाद हमको घींच कर ले गए मारते हुए और इनसे बर्बस्ती शादी करवा दी। 2 मई को मांझी में हुए विवाह में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट यूँ है कि जो कहानी बताई जा रही है कि लड़की और लड़के का प्रेम प्रसंग पूर्व से था, और लोगों ने ये बताया कि जो दुल्हन की छोटी बहन थी उससे लड़के का प्रेम प्रसंग था, लेकिन जब परिजनों से बात कीजिए लड़के के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि चूंकि जो छोटी बहन है लड़की की वो दिव्यांग है और उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो बारातियों को मार पीट कर और लड़के को मार पीट करके लड़की वालों ने जबरन
राजेश की शादी पुतुल से करवाई है। हालांकि अब माँ जो है लड़के की माँ राजेश है, अब लड़की को रखना चाहती हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि लड़की को जो इन्होंने अपने अपने तरफ से जो गहने चढ़ाए, तमाम जो विधि विधान के अनुसार जो भी सामग्री उपहार स्वरूप दी, वो सारा कुछ वापस मिल जाए तो लड़की और लड़के को अपने घर पर रखेंगी। फिलहाल उन्होंने लड़की लड़के को निकाल दिया है घर से और कहा है कि जाओ सारा सामान लेकर आओ, तब मैं तुमको अपने घर पर रखूँगी। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल।